अस्सलाम वालेकुम, सबका बहुत शुक्रिया। आज पीटीआई की हुकूमत ने अपना बजट पेश किया नेशनल असेंबली में। हम इससे पहले जॉइंट ऑपोजिशन पार्टीज ने एक मीटिंग किया जिसका जॉइंट स्टेटमेंट भी आया। हमारा पहला मुतालबा था कि जो कि दो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वजीरिस्तान से, एक ऑनरेबल मेंबर है लाहौर से, और ऑब्वियसली एक ऑनरेबल मेंबर जो कि नवाबशाह से है सदर जरदारी साहब, सबका प्रोडक्शन ऑर्डर जो है उस पर हम मुतालबा करें कि हमारा बजट सेशन में द पीपल ऑफ नॉर्थ वजीरिस्तान, द पीपल ऑफ साउथ वजीरिस्तान, द पीपल ऑफ नवाबशाह एंड द पीपल ऑफ लाहौर हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द बजट सेशन ऑफ पाकिस्तान। द स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैव प्लेड blatantly partial role, partisan role. They have denied the constituents of Nawabshah, the constituents of Waziristan, the constituents of North Waziristan, and the constituents in the Lahore of their right to be present at the National Assembly through their elected representative, former President Asif Ali Zardari, MNA Ali Wazir, MNA Mohsin Dawood, MNA Khwaja Saad Rafiq. Unka production order, joint opposition ka joint mutalba hai ke ye फॉर्डन हो। अनफॉर्चुनेटली नेशनल असम्बली के स्पीकर ने आज तक अब तक ये मुतालबा पूरा नहीं किया, और आज बजट पेश हुआ और इस मुल्क का अवाम, इलाके के अवाम का नुमाइंदे नहीं था। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख में ये शायद पहली बार हुआ है, और पूरा का पूरा अपोजिशन उसका 100% कंडमनेशन भी करते हैं। और मैं अपना डिमांड को रिएटरेट करता हूँ कि स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों जहाँ तक बजट देखो मेंगल साहब, मैं समझता हूँ बड़ा सीनियर सियासतदान है, बड़ा रीजनेबल डिमांड्स रखे थे पीटीआई की हुकूमत के साथ। हमारा ज़्यादा और कोई वजारत नहीं लिया, कोई डिमांड नहीं किया, बस का हमारा चेन का जो कि इंसानी हकूक, जमहूरी हकूक, उनके सूबे के राइट्स है, उस पर आप पूरा उतरे। उन छः नुकात में से एक पर भी काम आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे दूसरे जमाते तो अपोजिशन में हैं। हम किसी दूसरा पार्टी, हुकूमती पार्टी हो, हुकूमत के अलावा भी हो, हम उस पार्टी को हम उनके जो पॉइंट्स हैं उन पर बिलीव करते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अग्री करते हैं इस पर, लेकिन हम अपोजिशन में हैं। मैंगल साहब को हमारे साथ आना पड़ेगा, मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम अवाम दुश्मन बजट रोकें, हम इन अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को रोके, और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंगल साहब की चैन औकात पर बिलीव भी करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, हमारा अपना मैनिफेस्टो का हिस्सा है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मैनिफेस्टो, हमारा आखिरी मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ लो, ह्यूमन राइट्स पे, इंसानी हकूक पे जो चैप्टर मैंने खुद लिखा वो बहुत सबसे आगे है। तो सारे के सारे जो मैंगल साहब की डिमांड है वैसे मेरे पार्टी जो अपोजिशन मीटिंग ने तय किया था कि हम इस हुकूमत को मौका दें, अगर ये प्रो पीपल, जैसे मैंने अपना सीसी मीटिंग में कल कहा था, अगर ये प्रो पीपल बजट लेकर आते हैं तो अपोजिशन सुनेगी, डेस्क थंपिंग करेगी, और उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार है, मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में, जिनकी मुआशी जिंदगी आजाद बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का रवैया इसमें भी गलत था। इन्होंने सेशन जल्दी शुरू किया, इन्होंने अपोजिशन को स्पीचेस नहीं दी, और स्पीच कॉपीज़ नहीं दी, बजट बुक्स नहीं दिया, मगर खिताब शुरू करवा दिया। उसके बावजूद हम सुने, लेकिन जब ये टैक्स के सेक्शन पर आया और हमें नज़र आया कि ये जो PTIMF की बजट है, PTI का भी बजट नहीं है, PTIMF की बजट है, इसमें आम आदमी पर टैक्स का सुनामी आने वाला है, महंगाई का तूफान और भरने वाला है, बेरोजगारी का जो आज तक 4 मिलियन पाकिस्तानी से पुश बिलो द पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट फीस भाषा, इसके बाद 4 मिलियन मोर पाकिस्तानी से भी पुश बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ये अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीब दुश्मन बजट है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले से कहा था कि अगर ये अवाम दुश्मन बजट होगा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे। पूरा अपोजिशन ने ये भी आज तय किया,
कि अगर ये अवाम दुश्मन बजट होगा तो हम किसी सूरत में हर सूरत में हम इसका मुकाबला करेंगे और हम हर एफर्ट डालेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे अपोजिशन जमाते का पूरा एफर्ट होगा कि हम इस बजट को पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर मुखालफत करें। लेकिन पहला स्टेप ये होगा कि ये बजट पार्लियामान से पास ना हो, अवाम दुश्मन बजट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगा कि ये अवाम दुश्मन बजट पास ना हो, हम सारी सियासी जमातें के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। आपको शुक्रिया। अठारहवीं तरमीम जहाँ तक 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, जहाँ तक मुआशी इंसाफ और मुआशी हकूक की बात है, जहाँ तक जमहूरियत है, जहाँ तक हमारा इस्लामी जमहूरी वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है, जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौका नहीं बदलती। कम वोट में आज मीडिया के हलकों में सर ये अफवाहें फैल रही हैं, मीडिया के हलकों में और काफी तेजी से आई हैं कि सिंध में गवर्नर राज लग रहा है और खुर्शीद शाह और कायम अली शाह को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सर को गिरफ्तार किया गया तो आप समझते हैं ये नैब की जो कंपेन है पोलिटिकल विक्टमाइजेशन है, ये ओरिजिनली आप समझते हैं कि कोई नैब के खिलाफ सिंसियर जेन्युइन एफर्ट है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप इसको कैसे देख रहे हैं? हर रोज एक पॉलिटिकल फिगर जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। जी देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैब पे एक बहुत वाज़े और पुराना मौकिफ है, बाकी पार्टियों का मौकिफ बदलते रहे लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ शुरू दिन से यही था कि नैब काला कानून है, नैब आमिर का बनाया हुआ इदारा है, मुशरफ का बनाया हुआ अदारा है, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा उसका और काम है ही नहीं। ये कानून फ्लॉड है, इस कानून ये कानून जो है एहतसाब का कानून नहीं है, इंतकाम का कानून है। जब तक हम एक सही एहतसाब और इंसाफ का कानून नहीं बनाते हैं जिसमें सबके लिए एक कानून हो, जो कि नैब का कानून ऐसा नहीं है, तब तक इसी किस्म का पकड़ दकड़ का, सियासी इंतकाम का, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिलसिला चलता रहेगा। साहब का अरेस्ट और हमजा शहबाज शरीफ साहब के अरेस्ट और उससे पहले जो मोहसिन दागर साहब है और जो अली वजीर साहब का अरेस्ट है, इट्स वेरी क्लियर कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये खौफ की वजह से अवाम के नुमाइंदे को अंदर कर रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि वो हुकूमत का कमज़ोर है उनका, वो जानते हैं कि सदर जरदारी वो वाहिद सियासतदान है जो सारी सियासी कुवतों को एक पेज पर ले आके अवाम के मसाइल का हल निकाल सकता है, तो उसको बंद करना बहुत ज़रूरी था। और आज जो हमें नज़र आया, ये जो बजट अवाम दुश्मन बजट पेश हुआ, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये पकड़ दकड़ का सिलसिला में तेज़ी आया है, लेकिन ये एक ब्रॉड प्लान का हिस्सा है, ये एक पोर्शन है ऑफ अ लार्जर रोल, अ लार्जर प्लान, अ लार्जर स्क्रिप्ट टू रोल बैक पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स। उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ वाज़े है, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये मेरा खून पूरा खानदान मुझ समेत जेल में भेजे जो केसेस हमारे ऊपर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल 103 सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।